वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 17 दिसंबर और हम कवर करेंगे 17 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोवर मार्स 2020 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नासा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अमेरिकी कंपनी नासा द्वारा रोवर मार्स 2020 ये लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, रोवर मार्स 2020 क्या है? तो देखिए, ये मार्स पर एक मिशन है जो कि रोवर के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जिस प्रकार से क्यूरोसिटी रोबोट अमेरिका की कंपनी नासा ने भेजा था, उसी प्रकार से अब ये मार्स 2020 रोवर को भी भेज रही है। कहाँ पर? मार्स पर भेज रही है। और वहाँ पर ये क्या करेंगे? जो प्राचीन डेल्टा है जेजेरा क्रेटर, उस पर जीवन तथा पानी की खोज करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। यानी कि मार्स पर अब हम क्या देखेंगे? पानी तथा जीवन की खोज करेंगे। और जो इस बार का रोवर है वह पिछले रोवर यानी कि क्यूरोसिटी से 45 किलोग्राम अधिक वजनी है, क्योंकि ये अपने साथ में खुदाई के सामान भी ले जा रहा है कि ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर खुदाई भी की जा सके। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? नासा के द्वारा किया जा रहा है। तो नासा की हम बात करेंगे। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC, और इसके अधिकारी कौन है? जिम ब्रेडनस्टाइन इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर या फिर अधिकारी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर का अनावरण किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्वनाथ आनंद इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इनका सही नाम है आनंद विश्वनाथ, ठीक है। अच्छा, ये हैं कौन? तो ये आप लोग जानते होंगे, ये भारत के प्रिय चेस खिलाड़ी हैं, काफ़ी फेमस है ये चेस में, ठीक है। और इन्होंने अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर का अनावरण किया है। तो देखिए, आत्मकथा है तो इन्होंने लिखी होगी, साथ ही साथ एक खेल पत्रकार है सुशांत नेत्र, तो इन दोनों के द्वारा इनकी ये आत्मकथा लिखी गई है। किसके द्वारा? सुशांत नेत्र के भी द्वारा लिखी गई है, ठीक है, संयुक्त रूप से लिखी गई है। अच्छा, यदि विश्वनाथ आनंद की बात की जाए, ठीक है, तो ये हैं विश्वनाथ आनंद। अच्छा, इनकी उपलब्धियां अगर देखी जाए तो इन्होंने वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2000 से लेके 2002 के बीच में जो हुई थी उसको जीता था। और कौन सी थी वो? फाइट वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2000 से 2002 के बीच इन्होंने ये जीती थी। और ये ऐसा करने वाले पहले एशियाई चेस खिलाड़ी थे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टॉनी एन सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जमैका की रहने वाली टॉनी एन सिंह ने लंदन में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता है। और इनको जो ताज पहनाया गया है वो वैनेसा पॉन्स की ओर से पहनाया गया है, यानी कि ये 2018 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। अच्छा, 2017 की, तो भारत की मानुषी छिल्लर ये 2017 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, जबकि एस डेल बेली ये 2016 की मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 2019 की मिस वर्ल्ड में रनर अप कौन रही थी, यानी कि सेकंड नंबर पर कौन रही थी। तो सेकंड नंबर पर फ्रांस की ओपेली मेजिनो ये सेकंड नंबर पर रही थी। कौन? फ्रांस की ओपेली मेजिनो, ठीक है। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए, जोजी बनी टुंजी ने मिस यूनिवर्स का। और यदि मिस वर्ल्ड की बात की जाए तो टॉनी एन सिंह ने। तो याद रखना है, जोजी बनी टुंजी ये मिस यूनिवर्स है और टॉनी एन सिंह ये मिस वर्ल्ड है। तो ये दोनों में आपको फ़र्क याद रखना है और इन्हें याद रखना है। ये रही है कौन? टॉनी सिंह, ठीक है। अच्छा, यदि बात की जाए आगे की कि जमैका की रहने वाली हैं, तो जमैका की हम बात करेंगे। तो जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन। प्रधानमंत्री हैं एंड्रयू पवित्रता। और मुद्रा क्या है यहाँ की? जमैका डॉलर यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विजय दिवस कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 16 दिसंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, भारत में 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उस पर विजय प्राप्त करने पर यह विजय दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होगा, भारत का जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 से स्टार्ट हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल थे एएन खान, उन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी समय बांग्लादेश एक नया देश बन गया था पाकिस्तान से अलग होकर। और ये जो विजय दिवस है, ये 28वां विजय दिवस मनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले, जब भी दिवस की बात आती है तो हम सभी दिवस को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, लेकिन आपका होमवर्क है कि आप सभी दिवस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले कॉरपोरेट ब्रांड भारत ब्रांड ETF को किसने लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि AMC इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ECL की सहायक कंपनी है AMC। अच्छा, ECL का मतलब क्या होता है? तो एडलवाइज कैपिटल लिमिटेड की ये सहयोग कंपनी है, जिसका नाम फुल फॉर्म क्या है, एडलवाइज असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ये कंपनियों में अंतर क्या रहता है? तो पहले तो हम कॉरपोरेट ब्रांड या फिर ETF की बात की जाए, तो ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेड फंड। अच्छा, ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है एडलवाइज असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। अच्छा, यदि इसकी बात की जाए तो यह है क्या? तो देखिए, जो आपका फंड रहता है, तो फंड को क्या करते हैं, कोई निवेश करता है, जैसे कि निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, इसमें निवेश करते हैं। तो जब फंड को निवेश करते हैं तो किसी एक कंपनी के थ्रू यदि हम निवेश कर रहे हैं तो उस कंपनी को बोलते हैं हम असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये AMC वही कंपनी है जिसने पहले कॉरपोरेट ब्रांड, जिसका नाम क्या है, भारत ब्रांड ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड को जारी किया है। ठीक है, तो अब समझ में आया, जो कंपनी फंड को क्या करती है, मैनेजमेंट करती है, उसे बोलते हैं असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी। और ये किसकी सहायक कंपनी है? तो ECL की सहायक कंपनी, यानी कि एडलवाइज की सहायक कंपनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीटर स्नेल का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न्यूजीलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये हैं पीटर स्नेल, जिनका निधन हो गया है। अच्छा, यदि इनके बारे में बात की जाए तो ये 3 बार के ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं तथा ये मध्य दूरी के महान क्या हैं, धावक हैं। इन्हें मध्य दूरी के महान धावक बोला जाता है। इन्होंने टोक्यो 1964 में 800 मीटर की रेस में, ठीक है, ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, और उसी में 1500 मीटर में इन्होंने दोहरा चैंपियन रहे हैं, यानी कि 1964 में इन्होंने तीनों पदक जीते हैं। ठीक है, अच्छा, यदि बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डन, और मुद्रा क्या है वहाँ की, न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 दिवसीय रोजगार कार्यक्रम में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 100 दिवसीय रोजगार कार्यक्रम की यदि बात की जाए, तो देखिए, ये एक कार्यक्रम है जो कि आजीविका को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, और इसमें जो पश्चिम बंगाल है वह प्रथम रहा है। और इसकी जो लिस्ट है वो जारी किसने की है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी लिस्ट जारी की है। और यदि ज़िले की बात की जाए तो इसका बांकुरा ज़िला प्रथम रहा है। कौन रहा है? बांकुरा ज़िला। स्टेट की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, और ज़िले की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का बांकुरा ज़िला इसमें प्रथम रहा है। और मैंने आपको ये समझाई दिया है कि कार्यक्रम है क्या। अच्छा, पश्चिम बंगाल की बात आई तो पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, TB राधाकृष्णन, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये मैप में आपको पश्चिम बंगाल दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक डेंगू पीड़ित किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो देखिए, अभी जब पहले रिपोर्ट आई थी तो उसमें कर्नाटक पहले स्थान पर था, परंतु अब पहले स्थान पर गुजरात आ गया, सेकंड नंबर पर कर्नाटक आ गया है। हालांकि काफ़ी पीछे नहीं है कर्नाटक, लेकिन अभी गुजरात में फर्स्ट नंबर पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ डेंगू के देखने को मिले हैं वह कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। और ये जो रिपोर्ट जारी की है तो ये राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कंट्रोल कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है, और ये जो आंकड़े हैं वो इन्हीं के अनुसार हैं। अच्छा, गुजरात की बात आई है तो गुजरात की हम बात करेंगे। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश कौन है? विक्रम नाथ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये रहा है गुजरात, ठीक है, मैप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने मैट्रिमोनियल पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ITBP इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने अविवाहित, विधवा, विधुर तथा जीवन साथी से अलग हो चुके कर्मियों के लिए ये मैट्रिमोनियल पोर्टल की शुरुआत की है। जैसा कि अपना शादी.com होता है, इसी प्रकार से ये मैट्रिमोनियल पोर्टल है, जहाँ पर ITBP के कार्यकर्ता एक दूसरे से क्या कर पाएंगे? मेल मिलाप कर पाएंगे और शादी कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यदि बात की जाए ITBP, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में, मुख्यालय नई दिल्ली, और ITBP के महानिदेशक कौन है? तो SS देसवाल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमस्ते ओरछा उत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मार्च 2020, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मार्च 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, किसके? मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा नमस्ते ओरछा महोत्सव क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। और ये किस लिए किया जाएगा या इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो सांस्कृतिक परिदृश्य को चिन्हित करने के लिए ये उत्सव आयोजित किया जाएगा। और मार्च में कब किया जाएगा? तो 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच ये उत्सव आयोजित किया जाएगा। अच्छा, यदि बात की जाए ओरछा की, तो देखिए, ओरछा शहर को 2017 और 18 के लिए सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। कब के लिए? 2017-18 का सबसे विरासत शहर का अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। ओरछा मध्य प्रदेश में एक मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में एक शहर आता है, जो कि जहाँ पर रामराजा मंदिर है, ये सब इसी के लिए जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश को ये देखिए मैप में दिखाया गया है, जिसकी राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। और जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, जो कि मध्य प्रदेश को दो भागों में, बराबर दो भागों में विभाजित करता है। चलते हैं कल के प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 14 दिसंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो BEE के द्वारा ये मनाया जाता है, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ये हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आती तो आप वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।